नमस्कार दोस्तों, ये है मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि मैंने इसके एक अपडेट के बारे में बताया है आपको, तो दोस्तों इस फ़ोन में एक नया अपडेट आ चुका है जो दोस्तों इसी मंथ का है, दिसंबर का, या फिर ये मान के चलो कि ये अपडेट है नवंबर के लास्ट टाइम का। तो दोस्तों इस अपडेट में हमें क्या क्या देखने को मिलता है और क्या दोस्तों हमें इस अपडेट में वन यूआई 7 या फिर एंड्रॉयड 15 का न्यू वर्जन देखने को मिलता है, तो दोस्तों ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और आपको पता लगेगा कि इस अपडेट से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं और जियो अपडेट है हमें करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको इसी अपडेट के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, जो अपडेट मेरे फ़ोन में आया हुआ है वो मैंने अभी तक ना ही डाउनलोड किया है और ना ही दोस्तों उसको इंस्टॉल किया है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे ये रेड कलर का पॉइंट बना हुआ आ रहा है, इसका मतलब दोस्तों ये हमारा कोई अपडेट पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका साइज़। देखिए ये जो अपडेट है ये है 589 MB का और सिक्योरिटी पेज लेवल दोस्तों इस अपडेट से हो जाएगा 1 नवंबर का। तो दोस्तों ये जो अपडेट है काफ़ी लास्ट टाइम में आया है, काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा कि अपडेट जब भी हमारे फ़ोन में आते हैं वो हमारे मंथ के स्टार्टिंग में ही आ जाते हैं, बट ये जो अपडेट है मंथ के लास्ट टाइम पर आया है। तो इस अपडेट में जो साइज है वो है 589 MB का और सिक्योरिटी पेज लेवल 1 नंबर कर दिया गया है इस अपडेट से। और दोस्तों ये जो अपडेट है ये वन यूआई 7 का अपडेट नहीं है, इसमें हमें वन यूआई 7 देखने को नहीं मिलता, क्योंकि कंपनी ने सैमसंग जैसा बताया है कि वो अपना वन यूआई 7 अपने S25 सीरीज़ के साथ ही लॉन्च करेगा, उससे पहले आपको किसी भी सैमसंग डिवाइस में वन यूआई 7 देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही दोस्तों S25 अल्ट्रा या S25 सीरीज लॉन्च होती है, फ़ोन मार्केट में आ जाएंगे, उससे कुछ ही टाइम बाद सबसे पहले S24 अल्ट्रा में ही वन यूआई 7 देखने को मिलेगा, ये आप सभी को वैसे पता ही होगा। तो दोस्तों इस अपडेट में हमें इसके डिवाइस का जो बिहेवियर होता है, इसकी मतलब जो परफॉर्मेंस होती है, वो हमें इम्प्रूव देखने को मिलेगी। सिक्योरिटी पेज लेवल दोस्तों इम्प्रूव हो जाएगा और दोस्तों इसमें एक मेंशन किया गया है एक पॉइंट कि जैसा ही आप अपने फ़ोन को अपडेट कर सकते हो, कर लोगे, तो आप अपने इस अपडेट को फिर से डाउनलोड डिलीट नहीं कर सकते, इसको डाउनग्रेड नहीं कर सकते पुराने वर्जन के साथ, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो मेंशन किया गया है, इस अपडेट को करने से आपके डिवाइस की जो स्टेबिलिटी है वो इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, बग्स फिक्स हो जाएंगे और थोड़े बहुत दोस्तों हल्के फुल्के कुछ अलग एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलेंगे, जो दोस्तों आपको फ़ोन यूज करोगे अपडेट करने के बाद तभी आपको दोस्तों पता लगेगा, ऐसे आप पता नहीं लगा सकते। तो दोस्तों जे यू अपडेट अगर आपके फ़ोन में आया है तो आप फटाफट से इसको अपने फ़ोन में कर लो और उसके बाद ही आप अपने फ़ोन में कुछ इम्प्रूवमेंट देख सकते हो। और दोस्तों इस अपडेट को करने से आपके फ़ोन में क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, क्या क्या आपको नया कुछ देखने को मिला है, आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताना, इससे दोस्तों मैं और लोगों को भी बता सकूँ। दोस्तों मेरी जो वीडियो है काफ़ी टाइम बाद आई है, क्योंकि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए टाइम मिलता नहीं है। और दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।